मोक्ष प्लीज छोड़ दो मुझे। वही तो बोल रहा हूँ मैं, छोड़ दो मुझे, मैं भी छोड़ दूंगा। चुड़ैल ने मेरे आने से पहले इस हवेली को स्वर्ण चक्र में बांध लिया है, इसे तो मैं भी भेद नहीं पाऊंगा। दोबारा कभी मेरे सामने मत आना। मतलब महासुर यहां आए थे तभी मेरे बनाए सुरक्षा चक्र का हिस्सा काला पड़ गया, पर वो घर के अंदर नहीं आ पाए। मुझे अब इन सब लोगों को अपने बनाए सुरक्षा चक्र के अंदर ही रखना होगा। जो भी इससे बाहर गया उसी की जान को खतरा है। तूने सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम्हारे बिना जी पाऊंगा? मेरे लिए तुमने अपनी जिंदगी दे दी, क्या करूं जिंदगी का? महासुर ऐसे शांत नहीं बैठने वाले। मुझे मोक्ष पर नजर रखनी होगी, कहीं हवेली के बाहर ना चला जाए। चाची की आवाज, कहीं चाची घर से बाहर तो नहीं निकल गई? मोक्ष, मोक्ष मेरे पास आओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूं। दिया, 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 मेरे और पास आओ मोक्ष, तब भी देख पाओगी तुम मुझे। दिया, यहां मेरे पास आओ मोक्ष। बस एक और कदम आगे बढ़ो मोक्ष। आगे बढ़ो मोक्ष। ये दोनों तो यहां सो रहे, तो फिर चीख की आवाज कैसे सुनाई थी मुझे? कहीं ये महासुर की कोई चाल तो नहीं मुझे मोक्ष से दूर करने के लिए? मोक्ष कहीं बाहर तो नहीं चला गया? आओ मोक्ष। या
दिया मोक्ष। दिया तुम्हारी आवाज क्यों बंद हो गई? दिया मोक्ष। क्या किया तुमने दिया के साथ? दिया नहीं है मोक्ष, दिया मर चुकी है। तुम जो भी आवाजें सुन रहे हो किसी काली शक्ति की माया है, छलावा है। जो तुम्हारी माया है, क्योंकि काली शक्ति तुम ही हो ना, तुम्हारे आते उसकी आवाज कैसे बंद हो गई? क्योंकि ये शक्तियां जानती हैं कि मैं उनके छलावे को पहचान लेती हूँ, इसलिए। स्टॉप इट यार, उन काली शक्ति को अपने साथ लेके दूर क्यों चली जाती हो तुम मुझसे? मुझे सिर्फ दिया चाहिए, दूर रहो मुझसे। कहीं नहीं जाऊंगी मैं। तुम क्या चाहते हो ये मायने नहीं रखता मेरे लिए। मेरे पति हो तुम, प्यार करती हो तुमसे, मेरे होते हुए कोई भी काली शक्ति तुम्हें छू भी नहीं सकती। तुमसे दूर नहीं जाऊंगी मैं। मैं भी कोई ना कोई तरीका निकाल ही लूंगा तुमसे दूर जाने का। तुम्हें जो करना है तुम करो, और मुझे जो करना होगा मैं करूंगा। अफसोस मुझे मार नहीं पाओगी। लाल चांद राय रात का इंतजार करना पड़ेगा। न कैसे कुर्बानी दोगी अपने सोपरे श्रृंगार का, अपने सोपरे श्रृंगार का। तुम्हारा सोपरा श्रृंगार तुम्हें मिलेगा नहीं। समझते क्यों नहीं हो तुम? श्रृंगार के लिए नहीं हूं मैं तुम्हारे साथ, तुम्हारी कुर्बानी नहीं, तुम्हारी रक्षा के लिए तुम्हारे साथ हूं मैं। मेरे लिए मोक्ष नहीं हो तुम, मेरे शांतनु हो, मेरे शांत। 208 साल से भटक रही हो तुम्हारे प्यार के लिए। तुम्हें मारने का सोच भी नहीं सकती मैं। बहुत प्यार करती हूं, ये देखो तुम्हारा प्यार। तुम प्यार करने के लायक नहीं हो, क्योंकि एक चुड़ैल हो तुम। इंसानी फीलिंग्स तुम्हें कभी समझ में नहीं आएगी, इसलिए किसी को प्रोटेक्ट नहीं कर पाओगे तुम कभी। तो ये प्यार व्यार रक्षा वक्षा का ड्रामा बंद करो। मैं इन सबसे पिघलने वाला नहीं, और तुम अपने सम्मोहन के बिना कुछ भी नहीं, कोई प्यार नहीं करेगा तुमसे। तुम्हारे साथ अब मुझे सम्मोहन की कोई जरूरत नहीं है मोक्ष, क्योंकि मैं शिकंदा शांतनु से झूठा प्यार नहीं चाहती। और सच्चा प्यार तुम्हें कभी मिलेगा नहीं। प्यार तुम्हें कभी मिलेगा नहीं। दिया नहीं हूं मैं कि अपने प्यार के लिए गिड़गिड़ाऊंगी। निशिकंदा हूं मैं, और इस बार ना ही तुम पे कोई सम्मोहन करूंगी और ना ही काली शक्ति का इस्तेमाल। पर फिर भी एक दिन तुम खुद मेरे पास चल कर आओगे और अपने प्यार का इजहार करोगे, और अपने प्यार का इजहार करोगे, और अपने प्यार का इजहार। ऐसे ऐसे जन्म में कभी नहीं हूं, क्योंकि नफरत करता हूं तुमसे, नफरत करता हूं तुमसे। तो इसे भी एक चुड़ैल का चैलेंज समझ लो, चुड़ैल का चैलेंज समझ लो। तुम्हारी नफरत प्यार में बदल दूंगी मैं। 208 साल तुम्हारा इंतजार किया, कुछ साल और सही, कुछ साल और से।
इंसानी फीलिंग्स तुम्हें कभी समझ में नहीं आएगी, कभी समझ में इसलिए किसी को प्रोटेक्ट नहीं कर पाओगे, किसी को प्रोटेक्ट नहीं कर पाओगे, तुम कभी प्यार करने के लायक नहीं, प्यार करने के लायक नहीं, क्योंकि एक चुड़ैल हो तुम, क्योंकि एक चुड़ैल हो तुम। क्यों मेरे नसीब में कभी प्यार नहीं था? क्यों? चुड़ैल शिकार हाथ से चला जाए तो गुस्सा करती है, रोया नहीं करते, वो भी प्यार के लिए नहीं, वो इंसानों का काम है। मेरा शक सही था, महासुर को उनकी शक्तियां वापस मिल गई है। ऐसे सपने ना देख चुड़ैल, जो पूरे ना हो मोक्ष का प्यार तुझे कभी नहीं मिलेगा, लेकिन सोलवा श्रृंगार सिंदूर मिल सकता है। अब तेरा सिंदूर बटा हुआ नहीं है, लाल चांद की रात को दे दे मोक्ष की कुर्बानी और पाले सिंदूर, वरना वरना क्या महासुर, वरना मोक्ष की कुर्बानी मुझे देनी होगी। दोनों हाथ खाली रह जाएंगे तेरे, और ना मोक्ष मिलेगा, मोक्ष मिलेगा ना सोलवा श्रृंगार, बचा नहीं पाएगी तू उसे। अब मेरी शक्ति के आगे कुछ नहीं हो, स्वर्ण चक्र हटा दो और मोक्ष को मुझे दे दो, वरना इसी तरह मेरे बंधन में जकड़ी होगी। मेरे होते हुए तुम मोक्ष तक पहुंच भी नहीं सकते महासुर, उसे मारना तो बहुत दूर की बात है। मुझे आप सिर्फ दर्द दे सकते हैं महासुर, मेरी जान नहीं ले सकते, क्योंकि शायद आप भूल गए मेरे श्रृंगार अभी भी बाकी है मेरे पास। तब तक तुम मोक्ष को बचाओगी, एक ना एक दिन ये स्वर्ण चक्र टूट के रहेगा। अरे एक मिनट, ये माँ को हॉस्पिटल से घर क्यों लेके आ गए इसे? डॉक्टर्स ने हॉस्पिटल में रखने से मना कर दिया है। हॉस्पिटल में रखने से क्यों मना कर दिया? जो भी ज्योत्सना के पास जाता है वो किसी विचित्र तरीके से उसकी डेथ हो जाती है। हॉस्पिटल में 3-4 नर्सेस की डेथ हो चुकी है, उन्होंने इसलिए इस क्वारंटाइन बॉक्स में रखा है ताकि कोई कॉन्टेक्ट में ना आए। अरे बाबा, अब ये इन यहाँ के डॉक्टर्स को समझ में नहीं आएगा, हम माँ को दिल्ली लेके जाएंगे, भाई उनका ट्रीटमेंट कराएंगे। कोई फायदा नहीं है दिल्ली जाके, नागलोक का दिया हुआ घाव है, कोई डॉक्टर इसे ठीक नहीं कर पाएगा।
मैंने तो सुना था एक चुड़ैल बिना इनविटेशन के किसी घर में नहीं घुसती है, लेकिन शायद तुम एक बहुत ही बेगैरत किस्म की चुड़ैल। मैं बेगैरत? और मेरे पति भुलक्कड़? शादी से पहले मेरा हाथ पकड़ के इस घर में लेकर आए थे, तुम भूल गए? हाथ छोड़ो, अपने कंधे पर बिठाकर इसी दरवाजे से गृह प्रवेश कराया था। अब तो जीना यहां और मरना भी यहां। चोट लग जाती तो अच्छा हुआ मुझे छलावा आता। एक सेकेंड, चुड़ैल की बातों पे भरोसा कर रहे हो? जो निशिगंधा तुम्हारे सामने खड़ी है वो भी छलावा हुआ था। अब मुझे ढूंढने के चक्कर में घर का सारा सामान तोड़ दोगे क्या? बिल्कुल नहीं, मंदिर से चलता हुआ अखंड ज्योत लेके आऊंगा, उससे तो चलोगी ना? तुम्हारे प्यार में पिछले 208 साल से जली तो रही हूं, कम है क्या? तो आदत सी हो गई है। तुम्हारी इन तुकभरी दास्तां के अंदर कोई भी इंटरेस्टेड नहीं। पर मां की हालत में तो इंटरेस्टेड हो गए ना? ये बहुत ज्यादा तकलीफ में है, इंसानी शरीर इस घाव को बहुत ज्यादा देर तक झेल नहीं पाएगा। इनके शरीर से सारा जहर बहुत जल्द निकालना होगा। लेकिन डॉक्टर्स को तो कोई जहर नहीं मिला। आपको मोक्ष की हालत याद है पापा? मासा के साथ भी कुछ वैसा ही हुआ। ये काली शक्तियों का जहर है, कोई डॉक्टर इसका इलाज नहीं कर पाएगा और कोई मशीन में ये नजर नहीं आएगा। लेकिन मासा के शरीर का जहर मैं निकाल सकती हूँ। एक क्रिया करनी होगी, हर दिन थोड़ा थोड़ा करके इनके शरीर का जहर निकालना होगा और धीरे धीरे इनके शरीर की हर एक बूंद में खींच लूंगी। और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? हम एक चुड़ैल पे भरोसा करेंगे? दिया की तरह मां को भी मार सकती हूं। कोई और रास्ता है तुम्हारे पास मेरे प्यारे पियो? निशिगंधा, तुम ज्योत्सना को बचाने के लिए जो कर सकती हो करो, तुम्हारे पास मेरी परमिशन है। बाबा क्या बोल रहे हैं आप? अगर कोई इंसान मौत की कगार पर हो और कहीं से भी कोई उम्मीद की किरण दिखाई दे, तो हमें हमें उसी राह पे चलना चाहिए। Thank you.
कोई बहुत ही शक्तिशाली सांप का जहर है। ये क्रिया मुझे कुछ दिन और करनी होगी और उसके बाद ही मासा ठीक हो पाएंगी। तुम्हें देख के लग रहा था कि तुम्हें जहर खींचने में काफी दर्द झेलना पड़ा। क्या तुम ये दोबारा कर पाओगी? इससे ज्यादा दर्द तो मैं अपने प्यार से दूर होकर झेल रही हूँ। आज तक सिर्फ दर्द देती आई हूँ, आज पहली बार किसी अपने का दर्द पी लेने की बारी आई है। चुड़ैलों की ऐसी किस्मत का तुम मुझसे कितना भी नाराज रहो मोक्ष, इस प्यार की परीक्षा का जहर मैं पीने के लिए तैयार हूँ। खा लिया मेरे काली शक्तियों से भरा सेब, जिसका असर धीरे धीरे होगा। मुझे बस पहले यह पता लगाना है कि मासूर ने कौन सी काली शक्ति का प्रयोग किया। इस घर के बाहर कदम मत निकालना मोक्ष, तुम्हारी जान खून होने से। आ रहा है शिकार मेरे जाल में फंसने। नहीं, मैं अपने प्यार को इस बार नहीं खो सकती।